यहाँ एक बार फिर दिखेगी जस्सी और बिल्लू की कहानी। क्या संजय दत्त और अजय देवगन फिर दिखेंगे आमने सामने? दरअसल फिल्म सन ऑफ सरदार को तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और ऐसे में फिल्म सन ऑफ सरदार को लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना लोग पहले करते थे। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और अजय देवगन तीनों ही जबरदस्त किरदार निभा रहे थे। इसके अलावा जूही चावला भी अच्छा खासा लाइमलाइट बटोर रही थी। अब 12 साल बाद फिल्म को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्ट 2 में संजय दत्त भी नजर आएंगे। तो ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार भी संजय दत्त अपना तड़कता भड़कता किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग जुलाई के अंत में शुरू होने वाली है। इसके अलावा एक बार फिर विजय कुमार अरोड़ा अजय देवगन के साथ काम करने वाले हैं। इससे पहले वो आखिरी बार फिल्म एक्शन एक्शन जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी उसमें अजय के साथ काम करते नजर आए थे। अब एक बार फिर इन दोनों की जोड़ी नजर आने वाली है। इसके अलावा इस बार पार्ट 2 में संजय दत्त, अजय देवगन और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को कास्ट किया गया है। दरअसल इस बार सोनाक्षी सिन्हा की जगह मृणाल ठाकुर को फिल्म में लिया गया है। हालांकि फिल्म 50 दिन के लिए स्कॉटलैंड में शेड्यूल हुई है, यानी कि 50 दिन इस फिल्म की शूटिंग वहां होगी। इसके अलावा कई जगह पर फिल्म को शूट किया जाएगा जैसे कि हिस्टोरिक टाउन, लॉन्च बीच और ऐसी कई ऐसी जगह जहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर जैसी फ्रेंचाइजीज को शूट किया गया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।